हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्या, स्पेशल एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? दोस्तों, जैसा कि हम पेपर 9 पर बात कर रहे हैं और हमने पेपर 9 में अभी तक पाठ्यक्रम के अर्थ और परिभाषा को समझ चुके हैं, यानी कि हमने करिकुलम का मीनिंग एंड डेफिनेशन कर चुके हैं दोस्तों। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम के सिद्धांत। आज हम करेंगे पाठ्यक्रम के सिद्धांत, यानी कि किसी भी हम शैक्षणिक कार्यक्रम को जब तैयार करते हैं, बनाते हैं, और शैक्षणिक कार्यक्रम हम किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण दे रहे हैं, उसके लिए हमें पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है, जिसमें हम अपने विषय वस्तु और समक्ष शैक्षणिक क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं। तो आज पाठ्यक्रम के सिद्धांतों को देखेंगे दोस्तों। पाठ्यक्रम के कौन कौन से सिद्धांत है, किस सिद्धांत में क्या कहा गया है। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं पाठ्यक्रम के सिद्धांत। दोस्तों, जैसा कि पाठ्यक्रम के सिद्धांत हम देखते हैं कि सबसे पहले किसी भी शैक्षणिक कार्यक्रम को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले एक योजना बनाते हैं, जिस योजना में हमारी शैक्षणिक क्रियाएं हो गई, तकनीकें हो गई, बच्चे का लक्ष्य हो गया, यानी कि बच्चे की आवश्यकता हो गई, तो एक पाठ्यक्रम का एक प्रारूप तैयार करते हैं, जिसमें बच्चे के लिए पाठ्यक्रम बनाते हैं, यानी कि बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए, शिक्षा देने के लिए पाठ्यक्रम तैयार करते हैं। तो उन पाठ्यक्रम को बनाने के लिए यानी कि वह विषय वस्तु बनाने के लिए, शैक्षणिक कार्यक्रम को तैयार करने के लिए हमें कुछ निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखना पड़ता है, जो पाठ्यक्रम के निम्नलिखित सिद्धांत ये हैं दोस्तों। इन कुछ निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखकर हमें पाठ्यक्रम तैयार करना पड़ता है, यानी कि शैक्षणिक कार्यक्रम जो योजना बनाते हैं दोस्तों, तो उस योजना का जो एक शैक्षणिक बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम बना रहे हैं, उस पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए हमें कुछ निम्नलिखित सिद्धांतों को देखना पड़ता है, इन बिंदुओं को ध्यान में रखना पड़ता है। तो कौन कौन से वो बिंदु है, चलिए दोस्तों सबसे पहले दे रहे हैं दोस्तों, पाठ्यक्रम लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, यानी कि हम किसी भी कार्य को अगर बच्चे को सिखा रहे हैं तो उसका एक लक्ष्य होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को या किसी बच्चे को हम कोई कौशल सिखा रहे हैं या शिक्षा प्रदान कर रहे हैं तो उसका एक लक्ष्य होना चाहिए, यानी कि किसी भी कौशल को सिखाने के लिए, यदि हम सामाजिक कौशल सिखा रहे हैं, उसका लक्ष्य होगा हमारा कि बच्चा सामाजिक बन सके, आगे मतलब अपने समाज को समझ सके, समाज में रहकर सामाजिक जीवन जी सके। तो प्रत्येक कार्य का कौशल का एक लक्ष्य होता है। जब हम किसी पाठ्यक्रम को तैयार करेंगे किसी छात्र के लिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका लक्ष्य निर्धारित करेंगे, क्योंकि हमें उस बच्चे के लिए वो कौशल क्यों सिखाना है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है किसी बच्चे को प्रशिक्षण देने का। इसलिए कहा गया कि पाठ्यक्रम लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, यानी कि पाठ्यक्रम जो हम बना रहे हैं उसके लिए एक लक्ष्य चयन होना चाहिए, यानी कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, लक्ष्य चयन करेंगे। तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि हम इस बच्चे को शैक्षणिक कौशल इसलिए सिखा रहे हैं ताकि भविष्य में रहकर ये व्यक्ति सामाजिक रूप से जागरूक बने, शैक्षणिक रूप से जागरूक बने, या हम कह सकते हैं आगे जाके अच्छा व्यवसाय कर पाए दोस्तों। तो एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, हम पाठ्यक्रम जब तैयार करेंगे किसी बच्चे को सिखाने के लिए या प्रशिक्षण के लिए, तो पाठ्यक्रम जो बना रहे हैं तो पाठ्यक्रम लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। दूसरा है दोस्तों, पाठ्यक्रम उम्र के उपयुक्त होना चाहिए, यानी कि जो पाठ्यक्रम बना रहे हैं जिस बच्चे को प्रशिक्षण देने के लिए या शिक्षा देने के लिए दोस्तों, तो उम्र दे रहे हैं कि उम्र के उपयुक्त होना चाहिए। हमने पाठ्यक्रम बनाया है, अपनी विषय वस्तु तैयार की है, तो वह बच्चे के उम्र के अनुसार होना चाहिए। ऐसा ना हो कि प्राइमरी क्लास का बच्चा है और हम क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी क्लास के बच्चे को वो हम पाठ्यक्रम बना रहे हैं, तो हमने क्या होगा, अगर प्राइमरी क्लास का बच्चा होगा सेकेंडरी क्लास के बच्चे के उम्र के अनुसार बनाएंगे तो बच्चे को क्या है, कठिन लगेगा, यानी कि बच्चा नहीं कर पाएगा, टफ लगेगा। और ऐसा भी ना हो कि सेकेंडरी क्लास का बच्चा है और हम क्या कर रहे हैं, उसको प्राइमरी क्लास के उम्र के बच्चे का, यानी कि बच्चे को हमें 12 साल का बच्चा है और 6 वर्ष के बच्चे के लिए हम क्या कर रहे हैं, पाठ्यक्रम बना रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम उम्र के उपयुक्त होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चे की उम्र से बढ़कर है या उम्र से ज्यादा है, तो कक्षा अनुसार और उम्र के अनुसार उपयुक्त होना चाहिए।
नेक्स्ट है दोस्तों, पाठ्यक्रम आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। आवश्यकता अनुसार मतलब हम देखते हैं कि हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की, प्रत्येक बच्चे की, चाहे नॉर्मल हो एबनॉर्मल हो, हर व्यक्ति की अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं, अपनी अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति की जरूरतें अलग अलग हैं, आवश्यकताएं अलग अलग हैं। तो दोस्तों आवश्यकता अनुसार होना चाहिए, जबकि ऐसा ना हो बच्चों को सामाजिक कौशल की जरूरत है या व्यक्तिगत कौशल की जरूरत है। इन दोनों को छोड़कर हम सबसे पहले शैक्षणिक कौशल सिखा रहे हैं, जबकि बच्चे की सबसे प्रथम और सबसे प्राथमिकता जिस कौशल की होती है वह होती है व्यक्तिगत कौशल और सामाजिक कौशल, उसके बाद आता है दोस्तों शैक्षणिक कौशल। तो बच्चे की आवश्यकता और आवश्यकता के अनुसार, और हम कह सकते हैं कि बच्चे के स्तर के अनुसार, यानी कि बच्चे की क्या नीड है, क्या आवश्यकता है, तो उसके अनुसार हमें क्या करना चाहिए, अपना पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। तो कहा है इस सिद्धांत ने, पाठ्यक्रम आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। सामान्य बच्चे का अगर हम पाठ्यक्रम बना रहे हैं आवश्यकता अनुसार, बच्चे को आवश्यकता है और मेहनत करने की, और ज्यादा करने की, यानी कि, और हम पाठ्यक्रम बना रहे हैं कि बच्चे का बहुत लोअर लेवल का और हाई लेवल का बच्चे को चाहिए, जबकि बच्चा उच्च स्तर का रखता है ज्ञान, तो ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा बच्चे को लो लेवल का मिल जाए, हम कह सकते हैं उसको आवश्यकता ही नहीं है, या बच्चे को गणित की आवश्यकता है, हम हिंदी का पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो। तो बच्चे की आवश्यकता अनुसार हो, जबकि स्पेशल बच्चे का मैंने बताया सबसे ज्यादा व्यक्तिगत कौशल प्राथमिकता दी जाती है सबसे ज्यादा, और ऐसा ना हो कि हम उस बच्चे को जिसको व्यक्तिगत कौशल नहीं आता है वह सामाजिक कौशल कैसे सीखेगा, वह शैक्षणिक कौशल कैसे सीख पाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको व्यक्तिगत कौशल सिखाएंगे। तो पाठ्यक्रम आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, पाठ्यक्रम स्तर अनुसार होना चाहिए, यानी कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, बच्चे का स्तर। स्तर का मतलब है दोस्तों यहाँ पर योग्यता अनुसार, यानी कि कैसे होना चाहिए, स्तर के अनुरूप बोल रहे हैं ये। तो जब हम पाठ्यक्रम तैयार करेंगे उससे पहले हम क्या करेंगे, बच्चे का आकलन कर लेंगे, क्या कर लेंगे, आकलन कर लेंगे कि बच्चा क्या कर पाता है और क्या नहीं कर पाता है, कैन डू कर लेंगे, और उसमें से हम देख लेंगे बच्चा क्या कर पा रहा है क्या नहीं कर पा रहा है। तो क्या होगा दोस्तों, उसमें से हमें पता चल जाएगा कि बच्चे का स्तर क्या है, उसकी योग्यता क्या है, तब हम किसी लक्ष्य को निर्धारित करेंगे, उम्र के उपयुक्त करेंगे, और उसकी आवश्यकताओं को हमें पता चल जाएगा बच्चा क्या कर पा रहा है क्या नहीं कर पा रहा है। तो क्या उसका स्तर हमें पता चल जाएगा कि ये बच्चा किस लेवल पर है। ऐसा ना हो कि बच्चे को अगर शब्द का ज्ञान ना हो और हम उसको बोल रहे हैं कि व्याख्या करके दिखाओ या उसका अर्थ स्पष्ट करो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको शब्दों की पहचान कराएंगे, उसके बाद हम उसको शब्द बनाना सिखाएंगे, बोलना सिखाएंगे, उसका उच्चारण करना सिखाएंगे दोस्तों। तो क्या कह रहे हैं कि पाठ्यक्रम स्तर अनुरूप होना चाहिए, बच्चे की योग्यता अनुसार होना चाहिए, ना बहुत उच्च होना चाहिए ना ही बहुत निम्न स्तर का होना चाहिए। तो ये सारे कार्य करके हम बच्चे का क्या करेंगे, योग्यता जांच लेंगे, उसकी स्तर जांच लेंगे, बच्चे का क्या स्तर है। तो पाठ्यक्रम स्तर के अनुरूप होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, पाठ्यक्रम नवीन होना चाहिए। अब नवीन कैसे होना चाहिए, क्योंकि पाठ्यक्रम की जो तकनीकें हैं, बच्चे का स्तर बदलेगा, आवश्यकता बदलेगी, और हम कह सकते हैं उम्र बदलेगी, लक्ष्य बदलेगा, तो उसके अनुसार तकनीकें बदलेंगी, विधियां बदलेंगी, टीचर की, शिक्षक की, जो बच्चे को करा रहे हैं। तो कह रहे हैं नवीन होना चाहिए दोस्तों। नवीन का मतलब है नई तकनीकें होनी चाहिए, नई विधियां होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों, नई विधियां, नई तकनीकें, हम कह सकते हैं कि नया अधिगम सामग्री होनी चाहिए, नई अधिगम सामग्री, ठीक है, नई तकनीक हो गई, नई अधिगम सामग्री हो गई, नई हमारी विधि हो गई, इससे क्या होगा, हमारा पाठ्यक्रम नवीन होगा, यानी कि बच्चे नई नई तकनीकों को सीखेंगे। हम कह सकते हैं यार हमारी टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी जो आजकल चल रही है, तो इस तरीके से क्या होगा दोस्तों, बच्चे का जो पाठ्यक्रम नवीन होगा तो बच्चे आने वाले जो वातावरण चेंज हो रहा है, बदलाव आ रहा है, तो
तो उसमें भी बच्चे सीख पाएंगे और जो गुजर गया उसको भी तो समझ रहे हैं। तो क्या है, अगर हर चीज नई होगी, नया पाठ्यक्रम, नवीन नई नई विधियां होंगी, तो बच्चे इससे इंटरेस्ट भी लेंगे और जल्दी सीखेंगे, वास्तविकता का ज्ञान होगा और वे स्पष्ट रूप से किसी कार्य को सीख पाएंगे। यानी कि हमारा नवीन पाठ्यक्रम में नई नई हमारी तकनीकें होंगी, नई हमारी विधियां होंगी, नई हमारा अधिगम सामग्री होगा, तो नई नई तकनीकों से बच्चे क्या है, नया ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे दोस्तों। तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम हमारा नवीन होना चाहिए। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम रचनात्मक होना चाहिए, यानी कि हमारे करिकुलम में क्रिएटिविटी होना चाहिए। अब रचनात्मक होना चाहिए, रचनात्मकता का मतलब है दोस्तों, इसमें शैक्षिक तो है ही है, शैक्षणिक तो हम कार्य कराए रहे, इसमें सहशैक्षणिक भी आ जाएगा, सहशैक्षणिक भी आ जाएगा, जिसमें करिकुलर और को करिकुलर दोनों प्रकार की एक्टिविटी होंगी, जिसमें हम कह सकते हैं रचनात्मकता अगर होगा तो हमारे बच्चों की क्या है, कल्पना शक्ति बढ़ी, कल्पना शक्ति का विकास होगा, इसमें कल्पना शक्ति का विकास होगा, क्रिएटिव होगा उनका माइंड, अलग अलग जिज्ञासु बनेंगे बच्चे, इस जिज्ञासु बनेंगे, जिससे क्या होगा, कल्पना शक्ति का विकास होगा, जिज्ञासु होंगे और बौद्धिक विकास होगा। तो शैक्षणिक का मतलब हो गया हमारे पढ़ने लिखने से, विषय वस्तु से, सहशैक्षणिक का मतलब हो गया जिसमें आ जाएगा दोस्तों आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। और हम कह सकते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ हमारा पेंटिंग हो गया, कटिंग हो गया, पेस्टिंग हो गया, ये सारी क्रिएटिविटी हम बच्चे के अंदर डेवलप करेंगे। जो हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए उस पाठ्यक्रम में ये चीज भी शामिल होना चाहिए कि हमारा पाठ्यक्रम रचनात्मक हो, यानी कि करिकुलम जो हमारा क्रिएटिव हो, जिसमें बच्चे के अंदर क्या हो, कल्पना शक्ति का विकास हो, यानी कि इमेजिनेशन कर पाए, जिज्ञासु बन पाए बच्चे, इसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हो पाए। तो कह रहे हैं पाठ्यक्रम रचनात्मक होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, पाठ्यक्रम विस्तृत होना चाहिए। अब विस्तृत का यहाँ मतलब है कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम विस्तृत का यहाँ व्यापक होना चाहिए, यानी कि बड़ा होना चाहिए। तो व्यापक का मतलब है दोस्तों, एक पाठ्यक्रम हमने क्यों बनाया है, बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए, किसी कौशल को सिखाने के लिए, तो पाठ्यक्रम के साथ किसी शैक्षणिक कौशल के साथ बच्चे को हमें अन्य कौशल भी सिखाने चाहिए, जिसमें आ जाता है हमारा साथ साथ व्यापक, यानी कि सारी चीजें आ जाएंगी। जैसे आ गया हमारा डांस, आ गया डांस, आ गया म्यूजिक, आ गया हमारा, ठीक है दोस्तों, आउटिंग हो गई जिसपे हमारे बच्चे हमारे टूर पर जाते हैं, एजुकेशनल टूर हो गया, और वातावरण से संबंधित जितने भी जगहें हो गई, उन जगहों पर अगर हमारा बच्चा जाएगा तो वास्तविकता को जानेगा। तो कह रहे हैं व्यापक होना चाहिए, यानी कि बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ उसे वास्तविक वातावरण का भी ज्ञान देना चाहिए। हम कह सकते हैं यहाँ पर एनवायरमेंट का भी हमें क्या करना चाहिए, एनवायरमेंट की भी एजुकेशन देनी चाहिए, जिसमें बच्चा है इनको जान सके, इसमें डांस म्यूजिक, और इससे क्या होगा दोस्तों, हमें बच्चे के अंदर की एक रुचि मिल पाएगी, यानी कि बच्चे को किस क्षेत्र में रुचि है। अगर हम शैक्षणिक कौशल के साथ साथ उसको अन्य कौशल भी सिखा रहे हैं, अन्य चीजों का ज्ञान दे रहे हैं और देख रहे हैं कि उससे क्या होगा, बच्चे का एक इंटरेस्ट निकल के आएगा कि वह किस में इंटरेस्ट रखता है, डांस में, खेल में, यहाँ पर हम कह सकते हैं योगा हो गया हमारा, ठीक है दोस्तों, खेल हो गया हमारा, तो कई सारी चीजें हैं यहाँ पर, सामाजिक कार्यक्रम हो गए, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गए। तो दोस्तों इससे क्या होगा, विस्तृत होगा हमारा पाठ्यक्रम, तो हमें पता चल जाएगा कि बच्चे का किस क्षेत्र में ज्यादा इंटरेस्ट है, उससे क्या होगा, उसकी सोच और रुचि के साथ साथ उसका एक लक्ष्य हमें पता चल जाएगा, और उस लक्ष्य को संकीर्ण करते हुए हम उसको एक मार्गदर्शन देंगे ताकि वह अपने लक्ष्य को रुचिपूर्ण प्राप्त कर सके दोस्तों। तो कहा है कि पाठ्यक्रम विस्तृत होना चाहिए, ये कुछ सिद्धांत थे पाठ्यक्रम के जो निम्नलिखित थे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पाठ्यक्रम के प्रकार, यानी कि पाठ्यक्रम कितने प्रकार के हैं दोस्तों। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आया, आपको कुछ गलत लग रहा है, या कुछ पूछना है इस पेपर से रिलेटेड, या लास्ट पेपर से रिलेटेड, किसी भी पेपर से रिलेटेड आपको कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच।